नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे गैस से रिलेटेड तीन स्टॉक्स का, अदानी गैस, इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है। तो दोस्तों, इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए, और हमारे वीडियोस जो होते हैं वो केवल एडुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे एक बार चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आईडीएल को देखना चाहूंगा कि उसको ब्रोकर्स ने क्या टारगेट दिया है। तो दोस्तों, अगर मैं देखूंगा तो ब्रोकर्स काफी बुलिश रहे हैं फरवरी मंथ में इस स्टॉक को लेके। शेर खान ने इसे 650 का टारगेट दिया है, उन्होंने 12 मार्च को सेम टारगेट मेंटेन किया है। दौलत कैपिटल ने इसे 630 का टारगेट दिया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो 600 के पास का टारगेट था उसको आईडीएल ने बस जस्ट छुआ और वापस लौटाया। तो ओवरऑल ब्रोकर्स इस स्टॉक में 600 650 के आसपास के टारगेट्स को लेके चल रहे हैं, जो कि अभी की प्रेजेंट प्राइस से काफी ऊपर है। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी करंट प्राइस देखूं तो वो 487 के आसपास है। बट साथ ही दोस्तों, यहां पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक ने हमारा इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज नहीं है इस स्टॉक के लिए। तो नॉर्मली जब इस टाइप का पैटर्न बनता है तो काफी चांस होती है कि स्टॉक थोड़ा सा और नीचे जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे ये सपोर्ट टूटता हुआ दिखे तो यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ पे थोड़ा सा गैप क्रिएट किया था जो कि अभी बहुत अच्छे से नहीं भरा है, तो मेरा मानना है। और ये देखिए, यहाँ पे 450 के आसपास, यहाँ पे इसको 50 डे का मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो दोस्तों, इस स्टॉक को आप 455 के आसपास खरीदने की कोशिश करिए, अगर वहां तक पहुंचे तो। और यहाँ पे दोस्तों, इस स्टॉक में जो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो 420 के नीचे का लगाना रहेगा। करंट प्राइस पे तो मैं नहीं कहूंगा खरीदने के लिए, क्योंकि सिंपल सा रूल है, डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। अगर यहां से आपको रिवर्सल दिखे केवल उस केस में ही आप इसको प्लान कर सकते हैं, बट मेरा मानना है थोड़ा रुक जाइए तो बेटर है। अगर दोस्तों मैं इसमें आरएसआई की बात करूं तो 6 मंथ आरएसआई में ये करीब करीब ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, और 3 मंथ में भी ये ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। तो ओवरऑल ये स्टॉक कोई बहुत ज्यादा भी हमें पॉजिटिव सिग्नेचर्स नहीं दे रहा है। अगर दोस्तों मैं और इंडिकेटर्स इसमें लगा लूं, बॉलिंगर बैंड्स हो गया जैसे हमारा, तो उसमें भी देखेंगे यहाँ पे ये 6 मंथ्स में इसके अपने एकदम लोअर एरिया में है, और 3 मंथ्स में भी आप देखेंगे कि लोअर एरिया से थोड़ा सा है। तो ओवरऑल ये स्टॉक में अभी बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, और क्योंकि इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है रिवर्स, इसलिए मैं इस स्टॉक को अभी थोड़ा सा शॉर्ट साइड के लिए रखूंगा, 455 के आसपास खरीदूंगा। तो हमने जो डिस्कस किया है दोस्तों, इसको एक बार मैं फटाफट समराइज कर देता हूं। तो दोस्तों, इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं 455 के अराउंड, स्टॉप लॉस लगाइएगा 420 के अराउंड का, और जो टारगेट हमें लेके चलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्टॉक वैसे फंडामेंटली काफी अच्छा है, आप सभी को पता है लीडिंग कंपनी है, तो हम 575 तक का टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म टारगेट आप अगर इसमें बात करें तो फिर वहां पे आप ब्रोकर्स जो कह रहे हैं 650 के आसपास, वहां तक का भी एक बार एम करके चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस आईडीएल को लेके। आइए अब हम देख लेते हैं कि एमजीएल को लेके ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं। तो उसमें शेर खान जी ने 1450 का टारगेट दिया है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 1314, फिर शेर खान ने 10 फरवरी को इसे 1380 का दिया था, दौलत कैपिटल ने 1250 का दिया था, और बाकी दोनों जो टर्पराने, फिर शेर खान ने नवंबर में इसे 1380 का दे दिया था जब रिकॉर्ड प्राइस बहुत कम थी। तो इसमें भी जो ब्रोकर्स का आप कह सकते हैं टारगेट 1350 से 1400 के आसपास के निकल के आ रहा है। आइए अब हम चार्ट्स पे देख लेते हैं इस स्टॉक को। तो दोस्तों, मेरा जो मानना है, यहाँ पे स्टॉक ने एक बार रिवर्सल लिया था वो फिर से इसी लेवल पे आ गया है। तो मेरा मानना है आप इसको करेंट प्राइस पे 1100 के आसपास खरीदने का प्लान कर सकते हैं, अगर ये यहाँ से रिवर्सल दिखाए तो। स्टॉप लॉस इसमें दोस्तों, यहाँ पे हमें 50 डे का मूविंग एवरेज 1040 रुपये के आसपास दिख रहा है, जो कि एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है उस एरिया में। तो 1035 के आसपास का आप सपोर्ट इसमें रख सकते हैं 1110 की बाइंग प्राइस के हिसाब से। शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों इसमें हमारा रहेगा 1225 रुपये का, और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 1350 तक का लेके चल रहे हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे दोस्तों, तो ये 1250 को जो 1230-35 का लेवल है, ये एक बहुत स्ट्रांग इसके लिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रख के चलना है।
जिसका ऑल टाइम है 1400 रुपए के आसपास, वही हमारा टारगेट भी हो सकता है। अगर दोस्तों मैं RSI की बात करूं इसमें, तो 6 मंथ्स में तो अभी ये एज सच न्यूट्रल जोन में है, लेकिन 3 मंथ्स की बात करूं तो ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। तो एज सच इसमें भी अभी थोड़ा सा हो सकता है बियरिश ट्रेंडी दिख रहा है, तो आप इसमें अगर रिवर्सल दिखाए तभी खरीदिएगा, वरना इस स्टॉक को जाने दीजिएगा। अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूं इसमें, तो आप बॉलिंगर बैंड से देखेंगे कि ये एकदम उसके लोअर एरिया में है 3 मंथ्स में, और 6 मंथ्स में भी देखेंगे तो ये लोअर एरिया के ही आसपास है, तो हो सकता है वो यहां से सपोर्ट ले ले, बट थोड़ा सा वेट करिएगा, जब आप कंफर्म हो जाए केवल तभी खरीदिएगा, क्योंकि हाई चांस है कि क्योंकि मार्केट भी बियरिश है, तो हो सकता है थोड़ा सा ये यहां तक गिर भी जाए। तो दोस्तों हमने जो इस स्टॉक को डिस्कस किया है उसका एक बार मैं डिटेल्स लिख देता हूं। तो इसको दोस्तों आप बाई करिएगा एट CMP जो कि है हमारी 1117 के आसपास, जो कि ठीक ठाक है। स्टॉप लॉस दोस्तों आपको इसमें लगाना चाहिए 1040 के आसपास का, 1040-1050, इससे थोड़ा नीचे भी आप लगा सकते हैं। टारगेट दोस्तों जो हम इसमें लेके चल सकते हैं, जो इमीडिएट टारगेट हम लेके चल रहे हैं वो 1225 का लेके चल रहे हैं, और टारगेट 2 हम इसमें लेके चलेंगे आप कह सकते हैं 1375 से 1400 के बीच में, जो कि इसका ऑलमोस्ट पिछले 5 ईयर के हाई के पास भी, और ब्रोकर्स का टारगेट भी इसी के ही आसपास है। तो दोस्तों और अब मैं अदानी गैस पे आ जाता हूँ। तो इन्होंने अपना रिजल्ट पोस्ट किया है, तो उसमें इन्होंने अपनी नेट सेल्स को 496 करोड़ बताई है, जो कि 1.42% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट इनकी 25-26% बढ़ी है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। EBITDA इनका 33% बढ़ा है, तो ओवरऑल इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। एनालिस्ट ने भी इनके रिजल्ट को बहुत अच्छा तो नहीं कहा है, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कहा है, क्योंकि इतने भागे हुए स्टॉक में कोई ऐसा गिरावट नहीं आई है। इसका मतलब है कि इस स्टॉक के हिसाब से एनालिस्ट भी इस स्टॉक में खुश है। इसको क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों, ये स्टॉक फिर से लोड कर रहा हूं मैं। तो ये देखिए, ये स्टॉक में आप देखिए दोस्तों क्या भागा है ये स्टॉक, यहां से एकदम गजब भागा, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर कॉन्सोलिडेट किया, और यहां के बाद फरवरी से अभी तक तो ये देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 400 रुपए का स्टॉक आपका 744 हो गया, मतलब 100% के रिटर्न्स इसने आपको एक ही महीने में दे दिए। सोचिए क्या गजब की तेजी आई है इस स्टॉक में। उसके पहले एकदम नॉर्मल ये चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था, थोड़ा सा हायर हाईज और हायर लोज बना रहा था, बट यहाँ पे इसने जो तेजी आई है वो अनबिलीवेबल तेजी आई है। सबको इसने कह सकते हैं भौचक्का कर दिया है, क्योंकि किसी ने इतनी ज्यादा तेजी आएगी सोचा नहीं था। तो अभी दोस्तों अगर आप पर्सनली माने तो मेरे पास तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतने भागे हुए स्टॉक को खरीद पाऊं, जो मैं आपको सच्चाई बताऊं। लेकिन तब भी अगर आप इस स्टॉक को बुलिश है, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के संग आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बता देता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक बहुत भागा, इसलिए मैं ट्रेंड लाइन इसमें 1 मंथ के उसमें बना रहा हूँ। तो आप इसको करेंट प्राइस जो 744 के आसपास है उसमें खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस दोस्तों आपको इसमें 715 या 710 के आसपास का आप इसमें लेके चलिएगा। बाकी इस स्टॉक में मूविंग एवरेज, MACD, बोलिंगर बैंड ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही तेजी दिखाई है, तो ऐसा कोई इंडिकेटर्स इस टाइप में स्टॉक में ज़्यादा काम करते नहीं है। आप बस मोमेंटम कैप्चर करने के लिए इस स्टॉक को खरीद सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के संग। तो दोस्तों हमने जो डिस्कस किया है उसको मैं समराइज कर देता हूँ। दोस्तों इस स्टॉक में जो मेरा व्यू है कि पहले तो अवॉइड करना चाहिए, बट स्टिल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसको CMP पे खरीद लीजिए 744 के आसपास, क्योंकि 1 मंथ की ट्रेंड लाइन का उसके पास सपोर्ट है। वहां पे स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइएगा छोटा सा 715 के आसपास का, और टारगेट आप इसमें क्या होगा इस स्टॉक का नहीं पता, हो सकता है ये आपको फिर 2 महीने में 1500 तक के टारगेट दिखा दे, तो आप टारगेट आप इसमें 900 लेके चलिए, या आप बहुत ज्यादा नहीं तो 800 का लेके चलिए, और फिर इसमें स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलिएगा। तो इस स्टॉक में आपका एम होना चाहिए आप केवल मोमेंटम कैप्चर करो इस स्टॉक का, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि फ्यूचर इस स्टॉक का क्या है अभी नहीं पता, हो सकता है यहां से ये आपको वापस 500 के लेवल पे आ जाए। तो इतनी तेजी वाले स्टॉक में दोस्तों मुझे पर्सनली तो बहुत डर होता है, डर लगता है लगाने में, लेकिन आप मोमेंटम कैप्चर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा।
साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको अपस्टॉक्स में जो स्कीम चल रही है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अपस्टॉक्स वाले ट्रेडिंग अकाउंट में 6% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कि सेविंग अकाउंट में जहाँ 3% मिलता है तो ऑलमोस्ट उसका डबल दे रहे हैं। आपको कोई झंझट नहीं पड़ेगा ट्रेडिंग और सेविंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने का। साथ ही वन फर्स्ट मंथ के लिए 500 रुपये तक की ब्रोकरेज भी फ्री दे रहे हैं। तो अभी काफ़ी अच्छा मौका है इसमें अकाउंट खुलवाने का। और अगर आपके पास अलग अलग पैन नंबर से डीमैट अकाउंट्स होंगे तो IPOs जो चल रहे हैं और आने वाले IPOs में सब्सक्रिप्शन की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।